तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इस बार मैं एक्चुअली में स्वॉट टिप्स देने वाला हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकते हो एसएमपी फाइट्स के लिए एंड लाइक वेरियस अदर थिंग्स। उसमें मैंने बताई थी बहुत सारी, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से देख लेना वो वीडियो। एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज ये वीडियो ही होगी मेन वीडियो जिससे आप मतलब सक्सीड करोगे पीपी फाइट्स में, क्योंकि इसमें मैं स्वॉट के बारे में बताने वाला हूं एंड क्या आपको करना है पीपी फाइट्स में, कैसे स्वॉट यूज करनी है। इसके अलावा और ट्यूटोरियल्स आएंगे एक्स बोज और वो सब के भी चैनल पे। तो रुको, ड्यूअल भेज देता हूँ मैं अपने दोस्त को और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली आपको पीपी करनी है। ओके, सो बेसिकली जो पॉट्स है ना, मैं सजेस्ट करूँगा एंडिंग में रखो, और आप अपने जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स मेरे डिस्कॉर्ड पे मैं दिखा दूंगा, आप ज्वाइन कर लो अगर आपको देखना है वो। मैं बहुत ताकि मैं झट से कर सकता हूँ अपना, ये देखो झट से एक क्लिक में मैं कोई भी पॉट एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। मेरे को स्क्रॉल नहीं करना है, समझ रहे हो आप। अभी मेरा पैक लगा हुआ है, मैं पॉट मार लेता हूँ और ये भी आ रहा है यहाँ से। अभी मैं आपको बताता हूँ एक स्ट्रैटेजी। अब बेसिकली जिस बंदे से मैं लड़ रहा हूँ उसको देख के मैं समझता हूँ कि वो बंदा कितना एक्सपीरियंस्ड है। जैसे मुझे पता है मेरा दोस्त इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पर जीत गया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और इसको रूम दूंगा ताकि ये परफॉर्म कर पाए। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना है, अगर आपका बाई चांस अगर आपका अपोनेंट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है या आपसे भी ज़्यादा प्रो है तो आपको क्या करना है। ये टिप्स आपसे भी ज़्यादा प्रो बंदों से भी, आप अगर उसकी पीपी और एम अच्छा है आप उनसे भी मतलब जीत सकते हो अगर आप ये टिप्स यूज़ करोगे। अगर आप सही से यूज़ करोगे तो भाई गारंटी। जैसे अभी देखो इसको ना, मैं थोड़ा, दो मेथड होते हैं, एक होता है क्रिट, ठीक है, क्रिट स्पैम करो आप इसको, ठीक है, वो जो कि मैं बहुत करता हूँ। एक होता है पी क्रिटिंग, जो कि मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं ढूंढ दूंगा यहाँ पे ताकि वो हील कर ले, वो मरे ना। अभी आएगा, रुको देखना, क्रिट मारेगा मुझे। ये देखो अब ना मैं जंप नहीं कर रहा हूँ, मैं जंप नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक मिनट ना मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो आपको लेफ्ट स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहे होंगे की स्ट्रोक्स मेरे, और अब आप देखना मैं जंप वाला दबाऊंगा ही नहीं इसको क्रिट मारने के लिए। ये देखो मैंने एक बार भी जंप नहीं दबाया इसको क्रिट मारने के लिए, नहीं मर गया। दैट इज कॉल्ड पी क्रिटिंग। अगर आपने ये मास्टर कर लिया भाई, आपको जंप दबाने आपकी एक की कम आप दबा रहे हो और आप जीत रहे हो फाइट्स। लेकिन हाँ, हर वक्त पी क्रिटिंग आप नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा पी क्रिटिंग, थोड़ा सा क्रिट, हर एक चीज़ करनी है। तो ये तो होगी पी क्रिटिंग, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अब देखो इसको कहते हैं, थोड़ा सा बुरा मत मानना, बट बुली मेथड। अगर आपका बंदा सामने वाला थोड़ा सा नूव है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कॉम्बो में ऐसे, रुको फंसाता हूँ इसको कॉम्बो में मैं। ये देखो थोड़ा सा ऐसे, मेरा भी अभी हाथ ना सेट नहीं, मेरा पहला मैच है आफ्टर लाइक अ वीक, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे थोड़ा सा बुली कर देता हूँ, तो वो छू ही नहीं पाएगा तो मारेगा क्या। ये देखो फिर मैं उस पर क्रिट मारने लगता हूँ जब वो, और हाँ एक होता है अगर बंदा हील कर रहा है तो आप भी करो, चाहे आप फुल एचपी हो, मेरी सैचुरेशन इंक्रीज होती है उससे, उससे मैं ज़्यादा डैमेज लूँगा ही नहीं। अभी देखो मैंने उसको पूरा हिला दिया है, वो भी सोच रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभी देखो मेरी एचपी यहाँ पे लो है, मैंने पॉट मारे झट से बैक इन द फाइट, मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया। ये मारा झट से गैप, अभी ये मार, मैं डबल गैप करूँगा बिकॉज मेरे अभी यहाँ पे, सॉरी ट्रिपल गैप, ताकि मेरी सैचुरेशन फुल हो जाए। बैक इन द फाइट थोड़ी सी पी क्रिटिंग कर लूंगा अगर मेरे को क्रिट मारेगा, और डेड। दैट्स हाउ यू विन बेसिकली, इट इज़ वेरी इजी। अगर आप सही से, हर एक टेक्निक हर जगह काम नहीं करेगी, सही जगह पे सही चीज़ को घुसाना पड़ेगा आपको। अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक और चीज़ कि ये टेक्निक को कहते हैं टोटम पॉप स्ट्रैटेजी, ठीक है, बहुत ईजी है। लेकिन इससे बेसिकली आप अपने एनिमी के साथ दो चीज़ें कर रहे हो, उसका एक तो मोटिवेशन आप बूस्ट करके उसको ओवर कॉन्फिडेंस दोगे कि वो आपको मार देगा, बट इन रियलिटी आप उससे डबल पावरफुल बन रहे हो। आप सीम करोगे कि आप वीक बन रहे हो, बट एक्चुअली में आप ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी थोड़ा सा इसको डैमेज करूँगा, अभी मैं डैमेज लूँगा, ठीक है, मैं मार खाऊंगा अभी यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। अभी देखना, अभी मेरा टोटम पॉप होने वाला है, अब मेरा टोटम पॉप हो गया, मैंने जल्दी से चार्ट खोल ली और मैं जल्दी से पॉट अपने मारे, मैं तीन गैप नहीं, दो भी इनफ है। अब मैं आऊँगा फाइट में वापस, अब मेरे पास है रीजेनरेशन इस बंदे से कई ज़्यादा, मेरे को ये क्रिट करता रहे, ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला इसके क्रिट से, और मैं बहुत इजीली जीतूंगा बिकॉज यहाँ पे देखो मेरे पास रीजेनरेशन टू है यहाँ पे, ठीक है, रीजेनरेशन टू। बेसिकली मेरे को गैप करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं गैप अगर कर लिया तो मैं गॉड बन गया, अगर मैं गैप नहीं भी कर रहा हूँ मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गैप करने की, समझ रहे हो आप। मेरे की स्ट्रोक्स आप देखते रह सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, एक और बार करते हैं ये चीज़, हर एक चीज़ जो हम लोग को आती है वो यूज़ करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बुली किया, थोड़ा सा हाथ मैंने बिठाया अपना, तो मैं ज़्यादा उसको बुली कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़े से क्रिट मार के इसका टोटम या एटलीस्ट पी क्रिटिंग से थोड़े हिट्स लिए। अभी देखो ये हील कर रहा है, मेरी एचपी फुल है, फिर भी मैं हील करूंगा ताकि मेरा जो सैचुरेशन है वो इंक्रीज हो। मेरा एक गैप फेल हो गया यहाँ पे, कोई सीन नहीं, लेकिन एक पॉट मार के गैप कर लूंगा मैं।
अभी ये 10 HP पे ही है, इसका मतलब अभी देखो ये 4 स्पॉट कर रहा है, इसने मेरे को भी हील कर लिया अपने साथ, और ये अभी गैप करते करते ही मरेगा क्योंकि इसको मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ और चीज़ें करने का। ये देखो दैट्स हाउ यू विन बेसिकली। अभी ये तो आप किसी के अगेंस्ट भी कर सकते हो, आपका मेन चीज़ है यार एम। एम तो मैं आपको नहीं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये करो तो एम बेटर होगा, बट हाँ पीएफपी ज़्यादा करते रहो, बेसिकली एम गेम ज़्यादा खेलो, वैलोरेंट ये सब भी चीज़ें आपका एम बेटर करती हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको पीपी में बेटर होना तो पीपी ही करते रहो, उससे एम बेटर होगा। एंड ये सारी चीज़ें जो आप फॉलो करोगे तो यार आप एक बेटर पीपीयर बन सकते हो मेरे हिसाब से। तो यार ज़रूर से चेकआउट करना अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि और भी चीज़ें होती हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन मेन चीज़ें जो मैं करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। तो यार ट्राई करना और मुझे मेरे डिस्कॉर्ड में कमेंट्स में बताते रहना कि क्या कैसी चल रही है ट्रेनिंग एंड स्टफ। और मेन चैनल पे भी वीडियोस आने वाली बहुत जल्दी, तो यार हर एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।